अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस लेसन बट बिफोर दैट वी विल टेक वी विल टेक अ क्विक रिव्यू ऑफ व्हाट वी हैव रेड इन आवर प्रीवियस लेसन तो हमने ई एम फास्टर के बारे में पढ़ा था ई एम फास्टर वॉज अ नावलिस्ट और एसाइस्ट भी था वो और उसका जो हमने वर्क पढ़ना है उसने बहुत सारे नावल्स लिखे हैं फाइव सिक्स नावल्स उसने लिखे हैं और ये उसका जो वर्क है ये नॉन फिक्शन वर्क है जिसको हम पढ़ रहे हैं और ये है एस्पेक्ट्स ऑफ द नावल अच्छा उसमें हमने इंट्रोडक्टरी चैप्टर पढ़ा था सबसे पहले इंट्रोडक्टरी चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था uh, सबसे पहले ई e. एम हमें नावल की डेफिनेशन देता है वो कहता है कि नावल क्या होता है कि नावल फिक्शन इन प्रोज़ ऑफ अ सर्टन एक्सटेंट एक फिक्शन है प्रोज फॉर्म में एक सर्टन एक्सटेंट एक सर्टन लेंथ का ओवर लेंथ उसने बताई थी फिफ्टी थाउजेंड वर्ड्स तो होने चाहिए एक नावल के होने के लिए उसके अलावा उसने कहा कि वो नावल्स को डिफरेंट नावल्स को एनालाइज करेगा और उसके लिए वो कह रहा था कि वो क्रोनोलॉजी को फॉलो नहीं करेगा पीरियड्स को फॉलो नहीं करेगा वो कहता है कि पीरियड्स जो हैं टाइम जो है वो दुश्मन है टाइम मतलब वो कौन सा टाइम कह रहा है वो कह रहा है कि जिस तरह से पीरियड्स के अंदर डिवाइड uh, किया गया है नॉवेल्स uh, को कोई एलिजाबेथन का है तो जैसे विक्टोरियन एज है ये जो एजेस हैं वो इन एजेस को नहीं मानता वो कहता है कि मैं ये कंसीडर करूँगा कि जितने भी नावलिस्ट हैं वो जैसे कि एक रूम में बैठे हुए हैं और रूम में सर्कुलर बैठे हुए हैं और नावल्स लिख रहे हैं तो मैं उनको इस तरह से देखूँगा मैं उनको इस तरह से एनालाइज करूँगा तो बेसिक चीज़ें यही थी जो उसने चैप्टर वन में डिस्कस की थी उसके बाद उसने हमें बताया था कि वो उसके मुताबिक नावल के सेवन एस्पेक्ट्स हैं क्योंकि वो एस्पेक्ट्स ऑफ नावल की बात करें तो वो सेवन एस्पेक्ट्स बताता है जिनमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो बताता है कि स्टोरी है जो कि आज हम देखेंगे कि वो क्या कहता है इसके बारे में कि स्टोरी क्या चीज़ है सो लेट्स स्टार्ट वो कहता है ये इधर सेकेंड पैराग्राफ में देखें इट इज़ इमेंसली ओल्ड गोज़ बैक टू न्यूलिथिक टाइम्स वो स्टोरी की बात करें लास्ट लाइन देखें इट इज़ इमेंसली ओल्ड ये बहुत पुरानी है गोज़ बैक टू न्यूलिथिक टाइम्स न्यूलिथिक कह लें कि स्टोन एज की आ, ज़रा बाद वाली जो स्टेज है उसको न्योलिथिक कहते हैं परहैप्स टू पैलियोलिथिक पैलियोलिथिक होते हैं स्टोन एज की शुरू वाली जो एज है बिल्कुल स्टोन एज पत्थर का ज़माना जो है उसकी जो शुरू वाली एज है उसकी बात कर रहा है कि ये जो स्टोरी की जो हम बात कर रहे हैं स्टोरी क्या होती है वो कह रहा है कि इसका किस्सा अगर हम शुरू करें तो ये जाएगा स्टोन एज के लोगों पर कि स्टोन एज के जो बाद का ज़माना था थोड़ा सा एंड वाला ज़माना था और बल्कि वो कहता है कि बल्कि शुरू वाला ज़माना जो था स्टोन एज का उसकी बात कर रहा है नल मैन लिसन्ड टू स्टोरीज़ ये नी नि, नल जो होते है ना ये आइस एज के लोग जो थे वो बहुत कोई थर्टी फाइव थाउजेंड ईयर्स पहले की बात है कि वो लोग जो थे वो स्टोरी सुना करते थे इफ़ वन में जज बाय द शेप ऑफ़ स्कल अगर हम उनके स्कल से अंदाज़ा लगाएं अब तो हम उनकी स्कल से ही अंदाजा लगाएंगे ना तो हम ये जज कर सकते हैं कि वो भी स्टोरीज़ को सुना करते थे the primitive audience was an audience of stock shock heads gaping around the camp fire fatigued with contending against the mammoth or the woolly rhinoceros and only kept awake by suspense। तो इसमें वो कह रहा है कि जो primitive audience थी पुराने ज़माने की जो audience थी वो audience जो थी वो stock heads थी यानी कि वो शॉक uh, हेड्स थी वो किस तरह से अपने आप को आ, जो है वो फ़ील करते थे कि वो स्टो, स्टो, स्टोरी में इंटरेस्ट ले रहे हैं सस्पेंस की वजह से क्योंकि वो थके हुए लोग होते थे जिन जिन्होंने स्ट्रगल की होती थी मेमोथ के अगेंस्ट मेमोथ एक पुरा बहुत ही वही स्टोन एज का कह लें बहुत पुराने ज़माने का कोई एलिफेंट टाइप जानवर है और ये डाइनासॉर्स वो ली भी एक डाइनासॉर्स की एक टाइप है तो कह रहा है कि उन फटीक होते थे वो उनके खिलाफ लड़कर स्ट्रगल करके क्योंकि शिकार वगैरह किया करते थे पुराने लोग तो वो ये बात कर रहा है कि वो लोग जो थे एक ही चीज़ जो थी उनको जगाए रखती थी वो था सस्पेंस तो यहाँ पे इसमें सस्पेंस जो है वो इम्पॉटेंट पॉइंट है क्योंकि वो फॉस्टर ये कहता है ई एम फॉस्टर कहता है कि स्टोरी में सस्पेंस का होना बहुत ज़रूरी है वट वुड हैपन नेक्स्ट और यानी कि वो क्या होगा सस्पेंस कैसे यानी कि अब क्या होने वाला है वट वुड हैपन नेक्स्ट के नेक्स्ट क्या होगा तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टोरी के अंदर कि स्टोरी बताती है आपको कि आगे क्या होगा और उसके अंदर सस्पेंस होता है एक पॉइंट तो उसमें ये हो गया कि स्टोरी के लिए क्या होना चाहिए सस्पेंस द नावलिस्ट ड्रोंड ऑन एंड एज सुन एज द ऑडियंस गेस्ट वॉट हैपन्ड नेक्स्ट दे इधर फॉल अ स्लीप और किल्ड हिम वो कह रहा है कि नावलिस्ट को अहमियत ख़त्म हो जाती है या वो सो जाते हैं अगर ऑडियंस जो है वो ये गैस कर ले कि नेक्स्ट क्या होने वाला है तो एक स्टोरी के अंदर जो एक ज़रूरी चीज़ है वो क्या होना चाहिए सस्पेंस है आगे उसने वो एक नावल की एग्जाम्पल दी है हम ये इसको यहीं तक करेंगे नेक्स्ट देखें इस पैराग्राफ से हम शुरू करेंगे डेली लाइफ डेली लाइफ इज़ आल्सो फुल ऑफ टाइम सेंस अब वो यहाँ पे टाइम सेंस की बात कर रहा है एक उसने यहाँ पे बात जो है वो की है सस्पेंस की कि स्टोरी में सस्पेंस होना चाहिए दूसरी बात वो कर रहा है टाइम सेंस की तो कि डेली लाइफ जो है हमारी टाइम सेंस से भरी हुई है वी थिंक वन इवेंट अकर्स आफ्टर और बिफोर अनदर हमें ये लगता है कि एक इवेंट जो होता है वो किसी और इवेंट से पहले और किसी इवेंट के बाद होता है द थाट इज़ ऑफन इन आवर माइंड्स एन मच ऑफ आवर टॉक इन एक्शन प्रोसीड्स ऑन द अजम्पन हमारे जहन में यही ख्याल होता है कि ये सीरीज़ लाइफ यानी कि सीरीज़ ऑफ़ इवेंट्स है लाइफ क्या है सीरीज़ ऑफ़ इवेंट्स कि एक इवेंट आता है तो फिर दूसरा इवेंट आता है या एक से पहले जो है दूसरा आता है और दूसरे से पहले एक आता है एन मच ऑफ आवर टॉक इन एक्शन प्रोसीड्स ऑन द एजम्पन अच्छा नेक्स्ट है मच ऑफ आवर टॉक इन एक्शन बट नॉट ऑल दे आर सीम सम एल्स इन लाइफ बिसाइड्स टाइम समथिंग विच में कन्वीनियंटली बी कॉल्ड वैल्यू एक पॉइंट आप इसका नोट कर लें जो वो कह रहा है कि स्टोरी में क्या होना चाहिए वो मैं बार बार रिपीट करी वो है सस्पेंस वाट हैपन्ड नेक्स्ट दूसरी चीज़ जिसकी तरफ व तवज्जो दिलाता है वो कह रहा है कि हमारी बातों से और एक्शन से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है टाइम के, टाइम के अलावा जिसको जिसको हम क्या कह सकते हैं वैल्यू कह सकते हैं तो दूसरी चीज़ वो क्या कहता है कि वैल्यू यानी कि स्टोरी में वो आगे जा आप देखेंगे वो बताएगा कि स्टोरी में वैल्यू होना ज़रूरी है वो वैल्यू किस चीज़ को कहता है समथिंग विच इज़ मैयरड नॉट बाय मिनट्स और आर्स कुछ ऐसा वैल्यू क्या चीज़ होती है जिसको हम मिनट्स और घंटों से मैयर नहीं कर सकते But by intensity, so that when we look at our past, it does not stretch back evenly but piles up into a few notable pinnacles. And when we look at at the future, it seems sometimes a wall, sometimes a cloud, sometimes a sun, but never a chronological chart. वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं अपनी लाइफ को बैक देखते हैं पास्ट में देखते हैं तो हम हम इवेंट्स को देखते नहीं एक एक इवेंट को नहीं देखते कि अच्छा ये इवेंट हुआ था फिर ये इवेंट हुआ था फिर ये इवेंट हुआ था इस तरह से हम नहीं देखते बल्कि हम जो हमारे जो कुछ फ्यू नोट नोटिसबल जो हमारे इवेंट्स होते हैं जो हमें याद होती हैं हमें वही याद होते हैं हमें टाइम सीक्वेंस से हर चीज़ याद नहीं होती है तो हम वो उस चीज़ को वैल्यू कह रहा है कि वो वैल्यू होती है यानी कि जब हम अपना पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमें कुछ चीज़ें जो हैं कुछ वाक़ात जो हैं और कुछ इवेंट्स जो हैं वो हमें याद होते हैं वो जो है उनको वैल्यू कह रहा है और जब हम अपने फ्यूचर की तरफ़ देखते हैं तो कभी हमें कोई दीवार नज़र आती है कोई क्लाउड या सन नज़र आता है लेकिन मतलब धुंधला सा कुछ हमें नज़र आता है बट नेवर अ क्रोनोलॉजिकल चार्ट हमने एक पूरा टाइम सीक्वेंस से बना हुआ एक चार्ट नज़र नहीं आता क्रोनोलॉजिकल होता है सीक्वेंस में एक सीक्वेंस से बना हुआ चार्ट नज़र नहीं आता कि इस टाइम पर हम ये करेंगे उस टाइम पर हम वो करेंगे ये इवेंट होगा तो फिर ये इवेंट होगा हम आ, बिल्कुल इस तरह से एक एक चार्ट को हम नहीं देख सकते ना फ्यूचर में ना हम पास्ट में हम इस तरह से सोचते हैं नीदर मेमरी नॉर एंटिसिपेशन इज़ मच मच इंटरेस्टिड इन फादर टाइम ना ही हमारी मेमरी ना ही हमारी एंटिसिपेशन यानी कि जो हम प्रडिक्ट करते हैं फ्यूचर जिसकी बात हो रही है फ्यूचर जो है टाइम के अंदर इतना इंटरेस्ट नहीं होता नीदर मेमरी मेमरी के लिए पास्ट जो कुछ भी पास्ट में हम देखते हैं ना वो टाइम में इंटरेस्टेड है ना ही जो एंटिसपेशन जो हम फ्यूचर के लिए सोचते हैं या फ्यूचर में सोचते हैं जो हम वो वह टाइम में इंटरेस्टेड है एंड ऑल द ड्रीमर्स आर्टिस्ट एंड लवर्स आर पार्शली डिलीवर्ड फ्रॉम हिज टायरनी ही कैन किल दैम बट ही कैन नॉट सिक्योर देयर अटेंशन एंड एट द वेरी मोमेंट ऑफ डोम वेन द क्लॉक कलेक्टेड इन द टावर इट्स स्ट्रेंथ एंड स्ट्रक दे मे बी लुकिंग द अदर वे तो वो कह रहा है कि ना ही ड्रीमर्स आर्टिस्ट और लवर्स जो हैं Uh, वो भी इसकी द, इसकी टेरनी से बचे हुए हैं इसके जुल्म से बचे हुए हैं वो भी टाइम को इतना फॉलो नहीं करते नेक्स्ट है सो डेली लाइफ वट एवर इट मे बी रियली इज़ प्रैक्टिकली कंपोज्ड ऑफ़ टू लाइफ्स डेली लाइफ जो है वो दो चीज़ों से बनी होती है द लाइफ इन टाइम एंड द लाइफ बाई वैल्यूज़ तो टाइम लाइफ इन टाइम और लाइफ इन वैल्यूज़ इन दो चीज़ों से मिलकर हमारी लाइफ बनी है एंड आवर कंड रिवील्स अ डबल एलिजियंस तो हमारा जो कंडक्ट है वो दिखाता है कि हम ये दोनों से मिलकर बना हुआ है सब हमारी लाइफ जो है जैसे आई ओनली सॉ हर फॉर फाइव मिनट्स बट इट वॉज़ वर्थ इट देर यू हैव बोथ एलिजियंस इन अ सिंगल सेंटेंस कह रहे कि आप इस सिंगल सेंटेंस में जो है इन दोनों को आप एक दूसरे से कॉपरेट करते हुए देख सकते हैं कि आई ओनली सॉ हर फॉर फाइव मिनट्स इसमें टाइम का भी बात हो रही है एंड इट वाज वर्थ इट और वर्थ की भी कि यह चीज़ उसको याद है देयर यू हैव बोथ अच्छा ये हो गया एंड व्हाट द स्टोरी डज इज़ टू द लाइफ इन टाइम लेकिन वो कह रहा है कि स्टोरी क्या करती है वो लाइफ को टाइम મે દિખાતી હે એન્ડ વોટ ધ એન્ટાયર નોવલ ડઝ ઇફ ઇટ ઇઝ અ ગુડ નોવલ ઇઝ ટુ ઇન્ક્લુડ ધ લાઈફ બાય વેલ્યુઝ એઝ વેલ વો કહે રહા કે જો હે ના સ્ટોરી જો હે લાઈફ કો ટાઈમ મે તો દિખાતી હે જસે ઉસને કહા પાર્શલી ઉસને ઉપર આર્ટિસ્ટ વગેરેની વાત કી કે પાર્શલી ઉસકી ટર્ની સે બચે હુએ હે આર્ટિસ્ટ ઓર લવર્સ ઓર ડ્રીમર્સ જો હે ટાઈમ કી પાર્શલી બચે હુએ હે મુકમ્મલ તોર પર શાયદ નહીં બચે હુએ તો વો કહે રહા હે કે जो है आ, जो एक अच्छी स्टोरी होती है उसके अंदर टाइम सीक्वेंस तो होता ही होता है बट उसके अंदर वैल्यू भी होती है यहाँ पे वो कह रहा है कि एंड व्हाट द एंटायर नावल डज़ इफ़ इट इज़ अ गुड नावल इज़ टू इंक्लूड द लाइफ बाय वैल्यूज़ एज़ वेल अगर एक अच्छा नावल है एक अच्छा नावल के अंदर वैल्यू भी ज़रूर होनी चाहिए यूजिंग डिवाइस हेयर आफ्टर टू बी एग्जाम्ड इसमें और भी कुछ डिवाइस होनी चाहिए जो बाद में एग्जामिन की जाएंगी इट ऑल्सो पेज़ अ डबल एलिजियंस बट इन इट इन इट इन द ना द एलिजियंस टू टाइम इज़ इम्पेटिव लेकिन एक नावल के अंदर टाइम का होना तो लाजुम और मलजूम है नो नावल कुड भी रिटर्न विदाउट इट इसके बगैर कोई नावल नहीं लिखा जा सकता वेयर एज़ इन डेली लाइफ दी एलिजियंस में नॉट बी नेसेसरी जबकि हमारी रोजमर्रा की रियल लाइफ के अंदर इनका मिलाप ज़रूरी नहीं है ये लाजमल नहीं है कि वैल्यू भी हो और टाइम भी हो जैसे कि उसने बात की है कि जब हम अपनी मेमरी को देखते हैं जब हम अपने एंटिसिपेट या हम कुछ एंटिसिपेट करते हैं फ्यूचर को देखते हैं या पास्ट को देखते हैं तब हम टाइम सीकुंस को इतना ज़्यादा फॉलो नहीं कर पा रहे होते हमें वैल्यू हो जो होती है जिन्हें जिस चीज़ की वैल्यू होती है जिस इवेंट की वैल्यू होती है हमें वो याद होता है वी डू नाट वी डू नाट नो एंड द एक्सपीरियंस ऑफ सर्टन मिस्टेक सुजेस्ट इन दी दैट इट इज़ नॉट नेसेसरी एंड दैट वी आर क्वाइट मिस्टेकन इन एंड वी आर क्वाइट मिस्टेकन इन सपोजिंग दैट मंडे इज़ फॉलोड बाई ट्यूजडे और डैथ ब डे तो वो कह रहा है कि हम नहीं जानते और कुछ मिस्टिक्स का जो है एक्सपीरियंस वो कहता है कि हम मिस्टेकन है जब हम सोचते हैं कि मंडे इज़ फॉलोड बाई ट्यूजडे और डेथ जो है वो डिके को फॉलो करती है सॉरी डिके जो है वो डेथ को फॉलो करती है इट इज़ ऑलवेज पॉसिबल फॉर यू और मी इन डेली लाइफ टू डिनाई दैट टाइम एग्जिस्ट एंड एक्ट अकॉर्डिंगली इवन इफ वी बिकम अन एंड आर सेंट बाय आवर फेलो सिटीजन्ट दे चूज़ टू कॉल अटिकलम वो करेंगे कि आपके और मेरे लिए ये बहुत ही ईजी है कि हम टाइम को डिनाई करें फिर चाहे जो लोग, लोगों को जो हमारे फेलो सिटीजन् जो हैं फिर चाहे वो हमें लियूनिटिकायलम ही क्यों ना भेज दें पागल खाने क्यों ना भेज दें बट इट इज़ नेवर पॉसिबल फॉर अ नावलिस्ट टू डिनाई टाइम इन साइड द फेब्रिक ऑफ हिज नावल लेकिन नावल लिखने वाले के लिए ये मुमकिन नहीं है कि वो स्टोरी लिखते वक्त टाइम सीक्वेंस को फॉलो ना करे ही मस्ट क्लिंग हाउ एवर लाइटली टू द थ्रेड ऑफ़ स्टोरी ही मस्ट टच द इंटरमिनेबल टेप वॉर्म अदरवाइज़ ही बिकम्स अन इंटेलिजिबल विच इन हिज केस इज़ अ ब्लेंडर अच्छा टेप वॉर्म वैसे वो एक पैरासाइट होता है जो इंसान की बॉडी में इंटस्टाइन में होता है यहाँ पे वो कह रहा है कि ये टेप वॉर्म बन जाएगा यानी कि पैरासाइट बन जाएगा अगर हम अगर वो नावलिस्ट उसको अवॉइड करेगा तो ये उसके लिए एक ब्लंडर बन जाएगा तो यानी कि नॉवलिस्ट को टाइम सीक्वेंस जो है हर हाल में जो है वो फॉलो करना पड़ता है उसके बगैर उसका कोई चारा नहीं है अच्छा उसके बाद वो क्या कह रहा है? आई एम नॉट ट्राइंग टू बी फिलोसफिक अबाउट टाइम फॉर इट इज़ एक्सपर्ट्स अशोर अस अ मोस्ट डेंजरस हॉबी फॉर एन आउटसाइडर फार मोर फेटल दैन प्लेस एंड क्वाइट एमिनेंट मेटाफिजिशियंस हैंग टू इट इम्प्रॉपरली वो 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 कह रहा है कि मैं फिलासफिक नहीं हो रहा टाइम के बारे में क्योंकि एक आउटसाइडर मेरे जैसे आउटसाइडर के लिए जो है ये एक हॉबी है और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए मेटाफिजिशियंस ने भी जिसको इम्प्रॉपर कहा है आई एम ओनली ट्राइंग टू एक्सप्लेन दैट एज आई लेक्चर नाउ आई हेयर दैट क्लॉक टिकिंग और डू नॉट do not hear it ticking, I retain or lose the time sense. कह रहे हैं कि जैसे कि मैं लेक्चर दे रहा हूँ तो मैं time sense को जो है वो I रिटेन और लूज़ द टाइम सेंस वेयर एज इन अ नावल देर इज़ ऑलवेज अ क्लॉक मैं यहाँ पर time को भूल भी सकता हूँ लेकिन novel में जो है वो टाइम क्लॉक uh, हमेशा होता है द ऑथर में डिसलाइक हिज क्लॉक चाहे ऑथर को अपना क्लाक पसंद हो या ना पसंद हो एमिली ब्रॉन्टे एक राइटर है फीमेल राइटर है इन विदरिंग हाइड्स ट्राइड टू हाइड हर्स उसने अपना क्लॉक जो है छुपाने की कोशिश की है स्टेन इन ट्रिस्टन शिंडे टर्नड हिज अपसाइड डाउन उसने अपना क्लॉक जो है टाइम जो है अपसाइड डाउन कर दिया बिल्कुल ही ऊपर नीचे कर दिया है मार्सल प्रोस्ट स्टिल मोर इंजीनियस वो और ज़्यादा जहीन निकला केप्ट अल्ट्रिंग द हैंड्स सो दैट हीरो वॉज एट द सेम पीरियड एंटरटेनिंग मिट्रेस टू सफर मिस्ट्रेस सपर एंड प्लेइंग बॉल विद हिज नर्स इन द पार्क उसने टाइम सीक्वेंस ऐसा दिखाया है मार्शल प्रॉस्ट uh, ने कि एक टाइम पे वो जो है अपनी मिस्ट्रेस के साथ सपर रहा है खाना खा रहा है और दूसरी तरफ नर्स के साथ पार्क में खेल रहा है ऑल दीज डिवाइसेस आर लेजिटिमेट बट नन ऑफ देम कॉन्ट्रावीन आर थीसिस द बेसिक ऑफ अ नावल इज़ अ स्टोरी तो स्टोरी जो है वो एक नावल की बेसिस होती है बेसिक होती है बेस होती है एंड अ स्टोरी इज़ अ अरेटिव ऑफ़ इवेंट्स अरेंज इन टाइम सीक्वेंस इसको अंडरलाइन करने ये लाइन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पूरे स्टोरी वाले चैप्टर में कि अ स्टोरी इज़ अ अरेटिव ऑफ़ इवेंट्स इट इज़ अ नरेशन ऑफ इवेंट्स अरेन्ज इन टाइम सीक्वेंस जिसको टाइम सीक्वेंस के अंदर जो है अरेंज किया होता है तो जो उसने टाइम की बात की है वो ये की है कि के जो नावल है वो सीरीज़ ऑफ़ इवेंट्स होता है इवेंट्स का एक सीरीज़ होती है वाक़ात की एक सीरीज़ होती है जिसको टाइम सीक्वेंस के अंदर फिट किया होता है उसके ये टाइम सीक्वेंस वाली बात तो उसने ये की है लेकिन फिर उसने ये भी कहा है पीछे जो हमने पढ़ा है कि टाइम सीक्वेंस के अलावा स्टोरी के अंदर वैल्यू होना ज़रूरी है वैल्यू अगर हो नहीं होगी तो वो एक अच्छा नावल नहीं होगा उसके बग़ैर भी नावल हैं वैसे लेकिन वैल्यू होना जो है अकॉर्डिंग टू एम फोस्टर इज इज़ क्वाइट इम्पॉर्टेंट बहुत इम्पॉर्टेंट है उसके लिए कि स्टोरी में वैल्यू भी हो अच्छा so नेक्स्ट वो कह रहे बाय द वे इज नॉट द सेम एज प्लॉट स्टोरी और प्लॉट सेम नहीं है प्लॉट हमने प्लॉट कंस्ट्रक्शन वगैरह नॉवल में होती है ना तो इट मे फॉर्म द बेसिस ऑफ वन वो उसकी बुनियाद तो बनता है बट द प्लॉट इज एन ऑर्गेनिज्म ऑफ अ हायर टाइप प्लॉट जो है वो एक बड़ा किस्म का ऑर्गेनिज्म है एंड इट विल बी डिफाइंड एंड डिस्कस्ड इन अ फ्यूचर लेक्चर और वह बाद में उसको हम पढ़ेंगे हु शैल टेल अटोरी अच्छा अब आगे जो है ना इसकी रीडिंग आपने खुद करनी है इसमें जस्ट ये है कि वो दो स्टोरीज़ की हमें एग्जाम्पल दे रहा है एक सर वॉल्टर स्कॉट की एंटी क्वेरी है उसकी एग्जाम्पल दे रहा है उसका चैप्टर वन उसने यहाँ पर प्रेजेंट किया है चैप्टर वन उसमें वो क्या कहना चाह रहा है कि जो सर वॉल्टर स्कॉट का दिए एंटी क्वेरी नावल है उसके अंदर ऑथर ने टाइम सीक्वेंस तो जो है वो फॉलो किया है लेकिन इसमें वैल्यू नहीं है इसलिए वो इसको एक अच्छा नावल नहीं मानता ना ही वो वॉल्टर स्कॉट को एक अच्छा नावलिस्ट मानता है क्योंकि इसमें टाइम सीक्वेंस नहीं है अच्छा इसके अलावा उसने यहाँ पे एक बात की है कि टाइम सीक्वेंस की बात की है बीच में और इसने काफ़ी नावलिस्ट की एग्जांपल्स दी हैं एक उसने ओल्ड वाइफ स्टेल की भी एग्जांपल दी है आर्नोल्ड बेनेट की ओल्ड वाइफ स्टेल की ये जो दो सिस्टर्स की स्टोरी है एंड तक जाती है उनकी डेथ तक जाती है अच्छा उसको भी वो कह रहा है कि वो कह रहा है कि इसमें भी ग्रेटनेस नहीं है इसमें भी ये टाइम सीक्वेंस तो बेशक देखा है लेकिन इसमें भी ग्रेटनेस नहीं है फिर वो बात करता है वॉर एंड पीस की ये देखें वॉर एंड पीस की वो बात करा ये पेज नंबर है थर्टी तो इसको भी आप रीड करें और उसके मुताबिक वॉर एंड पीस जो है वो एक अच्छा नावल है जो लियो टोल का है टोल का वर्क है वो कह रहा है कि ये जो वर्क है ये ये बेस्ट वर्क है क्योंकि इसके अंदर ना सिर्फ राइटर ने टाइम सीक्वेंस फॉलो किया है बल्कि इसके अंदर वैल्यू भी है इस वजह से वो लियो टॉस्ट है कि इस वर्क वॉर एंड पीस को जो है वो एक अच्छा वर्क मानता है सो so, यही था आज के लेसन में जो मेन चीज़ें वो मैंने आपको पढ़ा दी हैं नेक्स्ट हम जो है नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पीपल इन शह तो स्टोरी में उसने दो ही चीज़ें बताई हैं कि स्टोरी के अंदर पहले स्टोरी के अंदर एक होना चाहिए वॉट हैपन नेक्स्ट सस्पेंस होना चाहिए कि वाट हैपन नेक्स्ट क्या होगा उसके अलावा उसने कहा है कि टाइम सी दूसरी बात उसने की है कि टाइम सीक्वेंस के साथ साथ वैल्यू होना भी ज़रूरी है स्टोरी के अंदर तभी वो एक अच्छी स्टोरी बनेगी तो इसको अच्छी तरह से तैयार कर लें